बस्ती है शाहीनाबाद पे मुखली के बारे में एक फंक्शन हो रहा है जिसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। दो तो ढाई इंच त्रे इंच मतलब डूगा जमीन पोटाश अधी बोरी पर एकड़ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुकार टीवी का नुमाइंदा बस्ती शाहीनाबाद से आपको खुश आमदेद कहता है। आज इंशाल्लाह बस्ती शाहीनाबाद पे मुखली के बारे में एक फंक्शन हो रहा है जिसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। इस फंक्शन में जनाब मोहम्मद सलीम साहब फील्ड असिस्टेंट और जनाब हाफिज मोहम्मद अल्ताफ साहब फील्ड असिस्टेंट मुखली के बारे में बताएंगे। मेरा नाम सलीम इकबाल है, मैं महकमा ज़राअत फील्ड असिस्टेंट और हल्का मेरा यूनिट काउंसल दौलत है। अज अस सुड़को जो आए मूंगफली के बारे शाहीनाबाद एरिए मूंगफली के बारे क्योंकि इस एरिए सगर एरिया छोटे ही बेल्ट ही डेरा इस एरिए मूंगफली और फसलें अच्छी होनी अच्छी जमींदार इस वास्ते मूंगफली के बारे चंद गुजारशात दसन आए हैं। मुनाफा प्रॉफिट देनी हो मूंगफली देनी और मूंगफली मूंगफली की वजह तो जमींदार मुआशी हालत है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुई। नहीं तो इस तो पहले असिडी हालात जमींदारी ने हालात ने गुजारा होने इस मूंगफली की वजह तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक और जड़ा हो गया भाई इसने जी पत्ते इसने जी बाकियात रही उनमें असिड को इतने बाहर बनने लग गई उन्होंने बड़े रेट लगन लगा तो इस वास्ते जमींदार की खुशहाली वास्ते एक होर गवर्नमेंट ऐसी होर भी गुजारिश कर सकते गवर्नमेंट इसे कोई तवज्जो दे मजीद इस बेहतरी आए तो इस जरा रॉ मटीरियल मिसर टांगी अस आखने पैक थी के बाहर बजे और उस मुल्क भी खुशहाल हो जी फसल है ये असली जमींदार की खुशहाली अहम किरदार अदा करनी इस वास्ते मूंगफलियाँ असी एक जरात माटो लिखने दीवारते मूंगफली सोने निकली कि वाकई सोने निकली इसने भी तेल भी है किसान असी जरा एक आना प्लाट लेने पाया इसने 44 to 56% आए थे और 22 to 28% इस जामियात जो घट फैलने वाली नवी किस्म हूँ राहो भी पूरा पाओ मतलब 40 किलो तुसी पर एकड़ भी इस्तेमाल करो थोड़े पौधे की तादाद पूरी हो सी मुड़ ज्यादा हो सन मुड़ ना फल ज्यादा हो सी और क्वालिटी वाला फल हो सी इस वास्ते थोड़ी पैदावार बढ़ सी। इस तो बाद रावणे ने आई भाई नी वे वो 2 to 2.5 to 3 inches मतलब डूगा जमीन बजे बत्तर नहीं ए सूरत हाल वेख के और जरा कतार तो कतार ना फासला वो तकरीबन हल हिसाब ना जी डेल बनी हुई मूंगफली काश्त करने वास्ते डब्बे शब्बे बने हुए हैं तकरीबन फुट ना फासला रहना तो पौधे ना पौधे तो फासला 6 to 8 inches होना चाहिए। उस तो बाद आ रही बी जरा ज्यादा एक होर असी करें कि असी वेले ना चूंकि मूंगफली ज्यादा रखे तो कई जमींदार काश्त करनी हूँ वेले ना अपनी छिलाई शुरू कर रहे हैं दूसरे एक होर करें असी छिलाई नहीं टाइम से मूंगफलियाँ ज्यादा गिला जा करें गिला करके बस सब खुशब ना करें खुशब न कर सा तो जिसे असी काश्त टाइम तो ड्रिल इस्तेमाल कर सरसा तो उसने तो जो गुलाबी जै छिलका होना वो लै गए थी तो वो कोशिश की गुलाबी छिलका लै गया वो थोड़ा पौधा कौन हो तो इस वास्ते कोशिश ही करो जेड़ा भी छिलाई करें उस तैयार रखिए अंदर ही कमरे च रख के उस खुशब करके खुशब करके उस रखना तो उस कें टप्पे छप्पे च नहीं पाना कें होर मोमनी कली आए त्रोड़ा च नहीं पाना उस पटसन वाली बोरी पा के तुसी उस बीएं संभाल के रख के दो गिरियां रख के दो बोरी के बिच सुनी गिरी मतलब उस जी जर्मिनेशन जी उस उगने की सलाहियत है वो ठीक रहा सी ते इस तो बाद तुसी खादा ने इस्तेमाल आवेना खादा है इसने बिच नाइट्रोजन क्योंकि फलीदार फसल है जो फलीदार जी फसल होनी उन हवा जो अपनी नाइट्रोजन की जी जरूरत होनी वो तकरीबन पूरी कर गई लेकिन इन्होंने इब्तदाई नशोनुमा वास्ते थोड़ी जी असा यूरिया इस्तेमाल करनी चाहिए ते क्योंकि पौधा थोड़ा बढ़ोतरी उसी अच्छी उसी नशोनुमा उसी इब्तदाद अच्छी उसी तो जाहिर है उस फल फुल भी इं होगी सी ते पैदावार भी इंशाल्लाह उसकी बेहतर होगी। इस तो इलावा इसने फास्फोरस इस तो बाद पोटाश जरूर इस्तेमाल करो
इसकी रेशो ही बन सी एक डीपी नाल 6 किलोग्राम यूरिया ते अद्धी बोरी पोटाश ये तुसी इस्तेमाल करो या 3 बोरी सिंगल सुपर फॉसफेट वो तुसी उत्ते ज़्यादा इस्तेमाल करो सिंगल सुपर फॉसफेट जिथे थोड़ी जाई थोड़ी सख्त हैं क्योंकि इसने विच सिंगल सुपर फॉसफेट जी होनी इसने विच जिप्सम होनी जिप्सम थोड़ी जमीन नरम ते भुरभुर रखेगी थोड़ी जमीन जितनी नरम ते भुरभुरी हो सी उसने विच सुइया इसनी आसानी ना दाखिल हो सकती है पैदावारी सिलाई है असं कोशिश की करनी चाहिए इस गल से गौर करना चाहिए भाई वजह की है क्यों सुनी पैदावार घट आ रही इतनी असं मेहनत करें डीजल महंगे खादा महंगिया असली अपन मजदूरिया तो ये असा चाहना उस हिसाब ना असी अपनी पैदावार बढ़ेंगे तो सब तो पहले इसी जमीन की तैयारी जमीन के आम हालात जनवरी फरवरी एक बार अस चूंकि मूंगफली पट्टे मूंगफली की चुनाई होनी उस कल्टीवेटर आम कल्टीवेटर हल असी बाह देने उस तो बाद जनवरी फरवरी में बारिशें चाहिए उस जमीन वत्ता रही असी राजा हल बाह देने राजे हल तो बाद बारिश हल देना तो जिस भी बारिश थी असी आम हलना उसकी बात दौर कर देना नाल सुहागा दे देने इसने वास्ते जमीन जी आम दरम्यानी हल्का मैरा बहुत सख्त जमीन ना हो दरम्यानी मैरा जमीन हो उसने भी काश्त करो अगे आवे नहीं इसकी टाइम काश्त ना इसमें टाइम जरा काश्त ना असी ज़्यादातर जो सीढ़े एरिए मुनासिब है वो असी अप्रैल ना महीना या खास कर हाँ 13 अप्रैल तो लैके 31 मई तक भी असं काश्त कर सकते हैं वो है बरानी एरिया होना बाद पत्थर की कमी होनी बारिशा ला देना असं 31 मई तक असं काश्त कर सकते हैं अगे आवे नहीं इसने शरे बीज इसने बीज जरा कम अज कम यह जी बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पैदावार कम आनी पी कि असले जमींदार जरा मूंगफली ने बीह वे पैदावार बीह घट पैने जिसकी वजह से पैदावार से असर पाना तो असं चाहना कि मूंगफली की जरा बीह वे असने नवी वरायटियां जो घट पैनिया उन्होंने कम अज कम 5 किलो पर कनाल या 40 किलो पर एकड़ गिरियां 70 किलो फलियां तुसी इस्तेमाल करो जी अपनी देसी राणी वो कम अज कम 3 किलो कम अज कम कनाली दी विच पाओ 24 किलो 25 किलो तुसी एकड़ दे विच इस्तेमाल गिरियां करो तां जो थोड़ी पौधे की तादाद पूरी हो सी तां थोड़ी पैदावार से फर्क हो सी दूआ एक होर है कि आम जमींदार ने एक होना जहन होना कि जी फैलने वाली ने बड़े फैल पैनिया लड़ना बड़ा फल होना लेकिन जरा सीधे तजर्बात या सीधी रिसर्च होनी पी उस हिसाब का गो के मूंगफली फैली और उसने लड़ना फल होना लेकिन जो फल उसने मुढ़ा ना होना वो लड़ना नहीं होना छोड़े और वो जी अगर लड़ना होना भी हो तो उसकी क्वालिटी नहीं होनी वो कच्चा होना जिसे असं थ्रैशर गाही करें वो थ्रैशर जख्मी होना जिसे जख्मी होना वो कच्चा होना चूंकि जल्द नरम होनी वो जख्मी होना तो उसे दूसरी फसल ने ना थोड़े मूंगफली मिक्स होना उसी थोड़ी मूंगफली की जी क्वालिटी डाउन हो अद्धी बोरी पर एकड़ पोटाश ना थोड़ी मूंगफली रंगत है साइज है जो उसने टेस्ट है जायका वो बहुत अच्छा हो सी उसकी रंगत सफेद हो सी यकीन करो तुम इस वे जी मैं गल दस ना पाँ करके चेक करके मूंगफली मार्केट मंडी की वैसी ना जिसकी पोटाश उसी लश्कारे देनी पी होनी चमकनी पी होनी तो इस वास्ते पोटाश अद्धी बोरी पर एकड़ तुसी इस्तेमाल करो इस तो बाद आवेनियां इसनिया अचानक बीमारियां इसने ज़्यादातर जो सीढ़े इलाके ने भी उखेड़ा उखेड़े वास्ते तुसी कोशिश ही की करो कि जिस वे मूंगफली काश्त करनी उस कोई फफूंदी कुछ दवाई लो कुछ भी टफ सने में बैनो मिले वाइटावैक्स या होर बहुत आ गई पाउडर आ गए हूँ तुम उन्हें 2 to 2.5 ग्राम पर किलोग्राम बीएम दवाई ला के इस्तेमाल करो उस इंशाला 100% नहीं तो 70-80% उसका रिजल्ट आ सी उसने लाने का तरीके वो सी कपड़े तो पा के ना बी उसने अपना वजन करके उस हिसाब ना उत्ते पाउडर थोड़ा जहा सट्टो उस चादरियाँ 2 बंदे एक ही कोने तो 2 है एक नपके ने ते 2 कोने हे ते एक दूसरे पास नपके ने नपके उस उतनी थलाई करके तो बस जो थोड़ा जहा पाउडर बने से वो थोड़ी जी पानी की फुहार पैल मारनी पहले पानी की फुहार मार के पाउडर तो सट के थोड़ा जहा मिक्स करके बस तुसा इं थोड़ा जहा 3 स्टेपा चुसा मिक्स करके उस 10-15 मिनट रखना चाहे तो जो उस थोड़ा जहा खुश हो जाए उस बाद शक्ल पा के इस्तेमाल कर सकते उस ना जो अभी थोड़ा जो बीज है वो बिल्कुल साफ हो गए से उससे कोई बीमारी कोई उससे ना हो सी और ये खेड़े नमी इंशाला अच्छा रिजल्ट आ सी
चलो मैं 100% ना दावा लेकिन 70-80% मैं ना मैं इंशाल्लाह कुछ हालात वो खेड़े ना वो जो मौसमी हालात बन रहे उस वजह तो बीमारी कीड़ा लग रहा है वो कंट्रोल नहीं होना कुछ कीड़े मकोड़े दीमा के खुश ये खुशकी है खुशहाली बन रहे उसे कीड़ा चोर कीड़ा एक से देने चोर कीड़ा ना थलो कटना शुरू कर देना उस तो बाद जंगली जानवर अल्लाह ने करे बालदार सुंडी आवे नी कै साल कै साल आवे नी इन सा नुकसान जंगली जानवर से लूमड़ गिदड़ या दुई उन सुअर उन आवे न बाज औकात मूंगफली तो इन नुकसान देने इस तो इलावा इस जुलाई के बिच साढ़े फुल चाई खड़ी होनी तो सूह कटे नहीं पी होनी उसे तुसी इस जिप्सम जरूर इस्तेमाल करो 200 किलोग्राम पर एकड़। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे।